चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी, और सिलसिला बाजारों का में चर्चा करेंगे यहां पर कम्युनिटी बाजार के बारे में। आज शुक्रवार का दिन है, कम्युनिटी बाजार का आखिरी कारोबारी दिन है सप्ताह का, तो जानेंगे कि सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा खुला है आज, कैसा ट्रेड कर सकता है, और उस पर रुपये मेहता की क्या राय रहेगी, और आने वाला कारोबारी सप्ताह कम्युनिटी बाजार के लिए कैसा साबित रह सकता है, ये सब जानेंगे। रूपा जी, अगर M6 कॉटन की बात करें तो जो करंट वायदा है वो तो देख रहे हैं कि 47,000 के ऊपर है, लेकिन जो अगला वायदा है उसमें देख रहे हैं कि M6 कॉटन 45,000 के लेवल पर ट्रेड करती नज़र आ रही है। तो रूपा जी, इससे क्या समझा जाए, क्या कॉटन में अभी गिरावट और बनेगी? गिरावट जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, और मुझे लगता है कि अब प्राइस भी नीचे में 45,000 के आसपास सस्टेन कर सकते हैं, तो मेरा हर उपरी स्तर पर कॉटन के अंदर बिकवाली करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में क्या लग रहा है अभी? तो हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि यहाँ पर कीमतों पर कुछ दबाव है, बुआई भी ज़्यादा रह सकती है, और किसान यहाँ पर अपनी सोयाबीन की बिकवाली भी कर रहे हैं खरीफ का खर्चा निकालने के लिए, तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या अभी अगर बाई चांस गिरावट रहती है सोयाबीन में, तो क्या इन फ्यूचर आने वाले कुछ महीनों के दौरान सोयाबीन में बढ़त बनेगी? देखिए, एक्सपेक्टेड तो है कि बढ़त बढ़ सकती है। अभी सभी एडिबल ऑयल पैक जो है वो दबाव में है। पाम ऑयल के अंदर भी हमने देखा है कि 7 से 8 रुपए पर लीटर की गिरावट आई है। सनफ्लावर ऑयल में भी 15 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल सोयाबीन में भी प्राइसेस में 15 रुपए पर लीटर अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्राइसेस के अंदर प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि सकते हैं आगे चलकर, अगर डिमांड एक्सपेक्टेड है कि पिकअप हो सकती है, अगर स्टॉकिस्ट अगर एक बार फिर से इसमें स्टॉक करने लगे तो वापस से बाजार जो है उठते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए प्राइसेस जो है वो थोड़ा नीचे सस्टेन कर सकते हैं, और आगे चलकर एक सोयाबीन लग रहा है ऐसा कि जिसमें पॉजिटिविटी बनती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म रैली में और आने वाला अगला हफ्ता फिलहाल खाद्य तेलों के लिए गिरावट वाला रह सकता है। जी रूपा जी, ग्वार में क्या लग रहा है, ये ग्वार की प्राइसेस कब तक उठनी शुरू होंगी? देखिए, अभी फिलहाल ग्वार में तेजी जो है वो खत्म होती दिखाई दे रही है, और अभी इन लेवल्स के ऊपर डिमांड नहीं है, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा प्राइस जो है वो भी नीचे बने रह सकते हैं। ओवरऑल सभी एग्री कमोडिटीज अभी फिलहाल डाउन साइड में जाती हुई दिखाई दे रही है, और मुझे लगता है कि ये प्राइसेस अभी थोड़ा सा कॉन्टिन्यूशन में बने रह सकते हैं। 10 रुपए आ सकती है, और सीड ऑर्डर भी हम काफी करेक्ट होते हुए देख चुके हैं। 5500 के घरों में आज कारोबार करती दिखाई दे रही है, तो अगर 5500 ब्रेक करती है तो हो सकता है 5300-5200 तक का भी स्तर नीचे में देखने को मिले, तो अगला हफ्ता भी ग्वार के लिए प्रेशर वाला रह सकता है। जी रूपा जी, ग्वार में तो पिछले साल हमने देखा था कि मुख्य उत्पादक राज्यों में बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ग्वार के जो उत्पादन था, जो बुआई थी, कम रह गई थी, लेकिन इस बार तो देख रहे हैं कि मानसून भी समय पर है। इनफैक्ट कई जगहों पर मानसून अपनी प्री मानसून गतिविधियां दिखा भी रहा है, दिल्ली में भी अब बारिश हो चुकी है, तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या ये जो मानसून वक्त पर आया है तो इसका असर ग्वार की बुआई पर कैसा रहेगा, क्या इस बार कुछ ऐसी संभावना बन रही है आपके अकॉर्डिंग कि ग्वार की जो बुआई है पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा हो जाए प्राइसेस और मानसून दोनों को देखते हुए? देखिए, अगर तो डेफिनेटली बुआई बढ़ सकती है, देखिए इस बार प्राइसेस काफी अच्छे मिले हैं और सेम भी रहा है मार्केट, जो लगातार पहले 4 से 5 हजार के बीच में सीड घूमता था, अभी 6 हमने इसको सस्टेन होते हुए देखा है, तो डेफिनेटली सोइंग का रकबा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। बाकी वेदर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, अभी के हिसाब से तो बताया जा रहा है कि मानसून जो है इस बार सामान्य रह सकता है, लेकिन अगर मानसून में कुछ भी उम्मीद होता है तो उसके ऊपर बाकी सोइंग का जो है वो इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर सोइंग बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, और अगर सोइंग बढ़ती है तो ऑलरेडी देखा जाए तो मार्केट के अंदर पहले ही स्टॉक भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, और अभी एक्सपोर्ट जो है वो काफी गिर चुके हैं, तो ओवरऑल देखिए आने वाला टाइम जो है ग्वार के
सकता है कि साइडवेज मोमेंटम वाला या फिर डाउनसाइड वाला देखने को मिले। जी रूपा जी, मसालों में क्या लग रहा है? मसालों में देख रहे हैं एक्सपोर्ट गतिविधियां काफी सुस्त हो रखी हैं ऊपरी स्तरों पर, लेकिन घरेलू स्तर पर बात की जाए तो स्विंग भी काफी कमजोर है। रूपा जी क्या लग रहा है, क्या 2 से 3 महीनों के अंदर मसालों में उछाल संभव है? क्या हम 2 से 3 महीनों के अंदर मसालों में उछाल देखने को मिल पाएगा या फिर जो प्राइसेस हैं बस यहीं पे सिमट के रहेंगे? बन सकती है, धनिया ऑलरेडी तेजी में है और तेजी भी दिखा रहा है, लेकिन कल के कंपैरिजन में अगर देखें तो जीरे और हल्दी में गिरावट आई है और नीचे में संभव है और वही लेवल आज हमें देखने को भी मिल रहा है। और जो जीरा है वो 20,000 से लेकर 22,000 की रेंज में फिलहाल सस्टेन है, तो यही लेवल अभी बने रह सकते हैं। अभी 1 से 1.5 महीना मार्केट जो है वो साइडवेज मोमेंटम में रह सकता है, निचले स्तरों पर बाइंग वापिस दिखाई दे सकती है क्योंकि फंडामेंटल काफी सपोर्टिंग है। टेक्निकली मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, गेहूं किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी? जिन किसानों के पास अभी गेहूं थोड़ा बहुत स्टॉक में रखा हुआ है उनको क्या सलाह देना चाहेंगी आप? देखिए अभी अगर प्राइसेस अच्छे मिल रहे हैं तो आप निकाल भी सकते हैं, और अगर जो होल्ड कर सकते हैं जिनकी कैपेसिटी है होल्ड करने की तो वो कुछ समय के लिए होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि माना ये जा रहा है कि अगर एक्सपोर्ट खुल जाते हैं तो वापस से तेजी बन सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर होल्ड करने की कैपेसिटी है तो होल्ड किया जा सकता है, अदरवाइज निकाला भी जा सकता है क्योंकि प्राइसेस अभी ठीक मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा कोई करेक्शन अभी आई नहीं है, तो मेरे हिसाब से इन प्राइसेस के ऊपर भी मार्केट में एग्जिट किया जा सकता है। जी रूपा जी, एग्री कम्युनिटीज में टॉपिक से देने चाहेंगी आज के लिए आप? देखिए अगर एग्री कम्युनिटीज की बात की जाए तो मुझे लगता है कि एग्री कम्युनिटीज के अंदर अभी फिलहाल मसालों के अंदर ही खरीदारी की तरफ रहना चाहिए, और मसाले आने वाले दिनों में तेजी की तरफ जा सकते हैं। वही बिनोला कल में भी दिवाली किया जा सकता है 2700 के लेवल के लिए, जुलाई वायदा में बिनोला के अंदर दिवाली करके चला। जी रूपा जी, आने वाला कारोबारी सप्ताह कृषि फसलों के लिए कैसा रह सकता है? देखिए आने वाले सप्ताह में कृषि फसलों में अभी दबाव जो है वो बना रह सकता है, इनफैक्ट मिला जुला रुझान रह सकता है, जहाँ पर कुछ कमोडिटीज में गिरावट एक्सपेक्टेड है तो कुछ में थोड़ा सा बाजार उठते हुए भी नजर आ सकते हैं। जैसा कि मसालों में मुझे लगता है कि धनिया अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगले हफ्ते में, और बिनोला फल में गिरावट बढ़ सकती है, और ग्वार में भी थोड़ी बहुत रिकवरी संभव है कि अगले हफ्ते को मिल सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि आज कम्युनिटी बाजार के हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, कैसा कारोबार करता नजर आया, और आने वाला कारोबारी सप्ताह कैसा हो सकता है कम्युनिटी बाजार के लिए। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर, बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।